हेलो फ्रेंड्स, जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। हम चाहते हैं यूजर से दो नंबर्स एंटर करवाना। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का और एक और वेरिएबल हमारे पास है जिसका नाम है बी। हम यूजर से दो नंबर एंटर करवाना चाहते हैं। यूजर कोई नंबर एंटर करता है जैसे कि 10 और 20 और हम ये चाहते हैं कि दोनों में जो ग्रेटर नंबर हो वो हम प्रिंट करा दें। तो हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना होगा, 20। ठीक है। अब यदि दोनों नंबर्स इक्वल आ जाते हैं यानी ए और बी की वैल्यूज यूजर सेम एंटर करता है, मान लीजिए 10 10, तो मैं चाहता हूं कि आउटपुट में सिर्फ 10 दिखाई दे, वो भी एक बार। तो यानी जब अलग अलग हैं तब तो कोई डाउट नहीं है, हमें ग्रेटर वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, पर अगर दोनों इक्वल हैं तो वही नंबर एक बार प्रिंट करना है। तो ये हमारा मोटिव है। ऑब्वियसली बात है कि हमें यूजर से इनपुट कराना है तो हमें स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास जो कि यूटिल पैकेज में है तो हमें यूटिल पैकेज को भी इम्पोर्ट करने का स्टेटमेंट लिखना होगा। आप ऑलरेडी इसके थ्योरी लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में एक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट जावा। ये मैंने फाइल बना ली है। अगला काम है इसमें प्रोग्राम लिखना, तो मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहां पर मैं अब कोडिंग करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ध्यान रखिएगा स्कैनर का एस कैपिटल होगा क्योंकि वो क्लास का नाम है। इसके बाद आप लिख रहे हैं क्लास एग्जाम्पल और एग्जाम्पल क्लास की बॉडी, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस। ये मेन फंक्शन हमने बना लिया। मेन फंक्शन के अंदर ही मुझे यूजर से दो नंबर एंटर करवाने, तो पहले मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, न्यू स्कैनर। इसमें पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। इसके बाद अब मुझे यूजर से क्योंकि नंबर एंटर कराना है, एक मैसेज मैं यूजर को देना चाहता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू नंबर्स। इसके बाद दो नंबर्स रखने के लिए वेरिएबल्स बना रहा हूं ए और बी। ए में असाइन करवा देता हूं जो नेक्स्ट इंट फंक्शन रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इंट फंक्शन किसका है, स्कैनर का। तो लिखेंगे नेक्स्ट इंट और बी में वैल्यू असाइन करा देता हूं जो नेक्स्ट इंट फंक्शन रिटर्न करेगा। इस प्रकार से दोनों नंबर्स यूजर से कीबोर्ड के माध्यम से एंटर हो गए हैं। अब मुझे इन दोनों वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हम लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिर्फ ए की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है तो मैं सिंपली ए लिख सकता हूं यहां, एल्स अगर ए बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो बी बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। दोनों ही सूरत में मैं बी की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं क्योंकि अगर दोनों इक्वल भी हैं तो मुझे वो नंबर एक बार तो प्रिंट कराना है। ओके, हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। मैं इसको सेव भी कर लेता हूं, ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको कंपाइल रन करना होगा। कंपाइल रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है जहां पर मैं ई ड्राइव में जाऊंगा
जावा प्रोग्राम्स और ए नाम के फोल्डर में, और जिसके अंदर मैं इस फाइल को रख रहा हूँ, और इसमें अब कंपाइलेशन करता हूँ जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। ये देखिए, अगर सब कुछ ओके है तो कंपाइल हो जाएगा, यस हो गया, और यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल भी बन चुकी है। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, रन करते हैं तो लिखेंगे जावा एग्जाम्पल, एंटर टू नंबर्स, जैसे मैंने एंटर किया 66 और 99, तो 99 एक बार प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और दोनों नंबर सेम एंटर करता हूँ, जैसे 8 और 8, तो आउटपुट में एक बार 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दो नंबर में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना लिया। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ना प्रिंट करा के प्रॉपर एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि द ग्रेटर नंबर इज सो एंड सो। अब यदि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इक्वल टू वाला केस अलग से हैंडल करना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि नंबर ग्रेटर है तो वो प्रिंट हो, और अगर इक्वल हो तो ये बात प्रिंट हो कि नंबर्स इक्वल है, तो ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर हमने प्रॉपरली मैसेज दे दिया ए इज ग्रेटर, और ये ग्रेटर को मुझे डबल कोट्स में रखना होगा, इज ग्रेटर को, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एल्स में आते हैं तो एल्स में मैं एक और इफ लगाता हूं और इसमें देखता हूं क्या बी ग्रेटर है ए से, तो मैं बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा और उसमें मैसेज कंकैटिनेट कर देता हूं इज ग्रेटर, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन किए हैं ये सोचकर कि हम अगर तीनों केसेस को अलग अलग हैंडल करना चाहते हैं, यानी ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है या दोनों इक्वल है। पिछले एग्जाम्पल में हमने दोनों इक्वल हैं वो वाला केस अलग से हैंडल नहीं किया था, तो अभी फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर और इसमें लिख देता हूं ए प्लस एंड बी प्लस आर इक्वल। चलिए, ये प्रोग्राम बन गया, इसको मैंने सेव कर लिया। अगेन इसको कंपाइल रन करना होगा, सबसे पहले कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन करता हूं, एंटर टू नंबर, जैसे मैंने 7 और 0 एंटर किया तो 7 इज ग्रेटर, फिर से रन करता हूं, अब मैं एंटर करता हूं 66 और 66, तो 66 एंड 66 आर इक्वल। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरह से प्रोग्राम्स बना लिए हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, URL स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे कि C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग से मिलती है, सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ मौजूद है, या इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, या वीडियो कंटेंट भी है, और भी काफ़ी सारा स्टफ आपको यहाँ पर मिलता है। डेली इसमें वीडियो अपलोड होता है और वीडियो सारे हिंदी में हैं, तो कई लोगों के ये काम का हो सकता है। अगर आपको लगे कि ये काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। आप अपने फेसबुक वॉल पर इसको पोस्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।